जय दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं और चारों तरफ इसी बारे में बातें हो रही हैं। पूरे सोशल मीडिया पर यूपीएससी टॉपर्स छाए हुए हैं। जो पहले नंबर पर यूपीएससी टॉपर हैं उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। ये 26 साल के हैं और तीसरी बार में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। ठीक ऐसे ही दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान है और तीसरे नंबर पर दोनुरु अनन्या रेड्डी, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करा है। ये लोग सच में तारीफ और बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने खुद के नाम से लेकर अपने माता पिता, स्कूल, कॉलेज, टीचर सबका नाम रोशन किया है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इन लोगों के जीवन की और सारे यूपीएससी टॉपर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन टॉपर्स के बारे में नहीं बल्कि उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूपीएससी की तैयारी के बावजूद भी कुछ हो नहीं पाता। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने प्रीलिम्स तक तो क्लियर किया था पर इंटरव्यू में रह गए या मेंस में रह गए और आज कुछ छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर के बारे में जानते हैं तो वहां आपको ऐसे ढेरों किताबों की दुकान वाले मिल जाएंगे जो अपने टाइम पर कभी ना कभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे। और वाकई में ये चीज सुनकर देखकर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग फील होता है। अमित किल्होर नाम के एक सर है जो स्टडी आईक्यू में बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। उन्होंने अपने एक प्रिंटेड स्टेटमेंट में कहा था कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हर साल हजारों बच्चे सिर्फ यूपीएससी ना क्रैक होने की वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं और इसके बावजूद भी हजारों ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को अलग अलग तरीके से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कहते रहते हैं और इस जाल में उन सबको धकेलते रहते हैं। जैसे ये लोग बड़े बड़े बेमतलब के एड्स और कई केसेस में तो खरीदे हुए रिजल्ट्स तक अपना बताकर पब्लिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों से भारी भरकम फीस वसूल कर सके। एक बार को अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो चलो मान भी लो कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को डायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन सरकार क्यों इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती, क्यों कोई रूल्स नहीं बनाती? मतलब आपको सोचना चाहिए ना कि आखिर यहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ में तो उसको रोका जाना चाहिए। अगर आप देखें तो हर साल 12 से 13 लाख लोग यूपीएससी एग्जाम्स में बैठते हैं और वैकेंसी कितनी होती है? सिर्फ कुछ 100 या बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ हजार में, मतलब 100 में सिमट जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, फिर भी सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? तो कहीं ना कहीं बात यह है कि देश के युवाओं को सरकारी नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करने से कोचिंग सेंटर और सरकार दोनों को फायदा होता है। तो चलिए जरा इसी बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष जानकारियों के बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। कि आपको सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये कि क्या आपको यूपीएससी एग्जाम देने चाहिए भाई, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है। अगर कोई मुझको कह रहा है जबरदस्ती कि भाई तुम जाकर एग्जाम दो तो मैं जाकर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई चाय कम पानी है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई क्या आपको यूपीएससी के एग्जाम देना चाहिए? परीक्षा में कोचिंग क्लासेस के नाम पर क्या क्या स्कैम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते? तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, या किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहली बात एक और क्लियर कर दूं कि मैं कहीं से कहीं तक भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं अगर अगेंस्ट हूं तो सिचुएशन के अगेंस्ट हूं जो कि क्रिएट कर दी जाती है इन बच्चों के इर्द गिर्द, जिससे कि आगे चलकर ये बच्चे कुछ गलत कदम उठाते हैं और इसको लेकर किसी प्रकार की कोई अवेयरनेस आज की तारीख में मौजूद नहीं। दरअसल दिल्ली की कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो खुले में दावा करते हैं कि पहली बार में हम आपको प्रीलिम्स तो क्लियर करवा ही देंगे। कुछ कहते हैं कि अगर पहली बार में यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो भैया अपनी पूरी फीस ये वापस लेकर चले जाना, आप इस बात की गारंटी हम देते हैं। कई सारे ऐसे प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग सेंटर्स हैं जो हर साल 11 लाख से ज्यादा सिविल सर्विसेज की चाहत रखने वाले एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये लोग ऐसे ऐसे एड्स चलाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई बच्चा इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा। अब आप ही सोचो ना, आप बचपन से ही अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर रहे हो और ऐसे ही एड्स देखकर आप बड़े रहे हो, क्योंकि आप जब पढ़ाई में तेज थे तो आपका मन था कि आप सबसे बड़े ओहदे पर जाकर पहुंचो। इस तरह के एड्स में बताया जाता है कि यूपीएससी क्रैक करना एक बहुत ही आसान काम होता है, तो ऐसे में आप आईएएस बनने के सपने तो ऑब्वियसली बात देखोगे ही ना, क्योंकि पढ़ाई में भी आप तेज हो। ज्यादातर देखने को मिलता है कि जैसे भी बच्चे 21 साल के होते हैं, बैचलर्स कंप्लीट करते हैं,
यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, कई लोग तो बैचलर्स के साथ में ही तैयारी करने लगते हैं। अब इनकी पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है कि 15-16 घंटे पढ़ना होता है, सारे रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, सारे दोस्त पीछे छूट जाते हैं। ज्यादातर यही होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं, और उनका भी माइंडसेट होता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम है, कोई बात नहीं, अगली बारी में फिर से क्लियर कर लेंगे। वही सेम साइकिल एक बार फिर से शुरू हो जाती है। सबसे दूर रहना, 15-18 घंटे की लगातार पढ़ाई करना, ना कोई पार्टी में जाना, ना कोई फंक्शन में जाना, ना किसी दोस्त से मिलना, ना किसी भाई बहन से बात करना, सबसे मिलना जुलना खत्म हो जाता है। और फिर दूसरी बार में भी बच्चे कई बार रह जाते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी का एग्जाम 6 बार आप दे सकते हैं। ऐसे में जो बच्चे 21-22 की उम्र में एग्जाम देना शुरू करते हैं, वो हद से 28 या बहुत ज्यादा हुआ तो 32-33 तक अपनी एज में पहुंच जाते हैं एग्जाम्स बार बार देते 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 देते। इतना समय बीत जाता है, उस वक्त उनके वसात के जो बच्चे होते हैं वो अपने करियर में सेटल होना शुरू हो चुके होते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू हो चुके होते हैं। कई बार, कई केसेस में तो लोगों की शादी भी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। अब आप थोड़ा उनके बारे में जरा सोचो जो 28 से 32 साल की एज में बैठे हुए हैं और सिर्फ एग्जाम्स ही दे रहे हैं, बल्कि कई केसेस में तो ये एज और भी ज्यादा हो जाती है। अब ना तो उनके पास कोई जॉब है, ना लाइफ ट्रैक पर है, ना कोई प्रोफेशनल स्किल उनके पास में है। इतनी लंबी पढ़ाई के कारण एक बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। बैचलर्स के अलावा उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, दोस्त और रिश्तेदार तो पीछे छूट ही चुके थे। ऐसे में उनकी दिमागी हालत कैसी होती होगी, मेंटल स्टेट क्या होती होगी? ये सारी बातें ऐसे स्टूडेंट्स को सदमा देने के लिए काफी होती हैं। कोई रिलेशनशिप नहीं होती, फिर ऐसी कंडीशन में आखिर वो क्या करें? अब 28 से 32 साल की उम्र में डिग्री ले या कोई छोटा मोटा काम शुरू करें, ढंग की नौकरी तो मिलने से रही एक बात तय है। तो ऐसे में जाकर कई बार गलत कदम उठाने का ख्याल मन में आ ही जाता है। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बातें यकीन मानिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं यह एक रियलिटी है जो कि कई सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। आए दिन खबरों में, न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि इस फला स्टूडेंट ने यह कदम उठा लिया, उस फला स्टूडेंट ने यह कदम उठा लिया। इन सब बातों के अलावा जो एक और सबसे बड़ा झूठ है इन कोचिंग सेंटर्स वालों का, वो ये कि अपने एस्पिरेंट्स को कभी भी नहीं बताते कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, ये ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या यूं कहूं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम्स क्लियर कर पाने के। बल्कि ऐसे कई एग्जाम्स हैं जैसे CAT हो गया, MAT हो गया, CET हो गया, ALET हो गया, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि 25-30 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के लिए ही होते हैं और जॉब इंटरव्यू में तो मैंडेटरी होती है ये इंग्लिश। लेकिन इस बात पर ना तो कोचिंग वाले ध्यान देते हैं, वो क्यों ही देंगे, उनको पैसे से मतलब है। लेकिन यहां पर बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब ऐसे में बच्चों के पास में ऐसे लड़के, ऐसे दोस्त भी नहीं होते जो उनसे इंग्लिश में बात कर सके और ये लोग आपस में म्यूचुअली इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, और ना ही उनके पास में इतना टाइम होता है, जो एक बड़ा कारण बन जाता है प्रीलिम्स और मेंस क्लियर ना करने का। कि इसके बावजूद भी अगर ये लोगों ने ये क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू में कई बार ये लोग सफल नहीं हो पाते। अभी हाल ही में हमारे भोपाल की ही एक घटना निकल कर सामने आई थी, इसमें कि एक फर्स्ट ईयर की MBBS छात्रा ने अपने आप खत्म कर लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश के प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी, उसको इंग्लिश बोलने में समस्या थी। इन कोचिंग वालों के कई तरह के और भी स्कैम्स हैं जिनको जरा शुरू से समझना चाहिए। जैसे UPSC CSE की परीक्षा 3 चरणों में होती है, ये सबको पता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। अब अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो सिर्फ आपका पहला चरण ही पार हुआ है, 2 चरण अभी भी बाकी हैं और वो चरण पहले वाले चरण से और भी ज्यादा कठिन है। पर यहां आप जरा ये सोचकर देखो कि अगर आपने मेंस भी निकाल लिया और इंटरव्यू में रह गए तो आप शुरू से शुरुआत करोगे, फिर उसी दौड़ में शामिल होगे, फिर एक बार 11-12 लाख बच्चों के साथ में कंपीट करोगे। कोचिंग सेंटर वाले ये दावा तो करते हैं कि हम प्रीलिम्स आपका निकलवा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। लेकिन आपसे फीस पहले ही ले ली जाती है, ये कोचिंग वाले मतलब फीस कभी नहीं छोड़ते, 3-4 लाख रुपए की फीस ले ली जाती है, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आप ऑफिसर बनोगे या नहीं। और देखिए, गारंटी हो भी नहीं सकती टू बी जेन्युइन, बट जो ये कोचिंग वाले दावा करते हैं ना, मेरी परेशानी उन दावों से होता ऐसा है
कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से 0.008% लोग ही ऑफिसर बन पाते हैं, जो कि सिर्फ 700 या 800 होते हैं, और 11 लाख बच्चे 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। यहां पर जो सफलता का परसेंटेज है वो 5% भी नहीं। इन 800 लोगों को छोड़कर बाकी के 10,99,200 बच्चे वापस जाकर अगले साल की तैयारी में एक बार फिर से जुट जाते हैं। ऐसे में जो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे गलत चीज कोचिंग वाले करते हैं वो ये है कि IAS IPS की सफलता की कहानियां सुनाते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं कोचिंग के बाहर, जो कि कई बार सरासर झूठी भी होती हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने पास आउट स्टूडेंट्स के मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कई बार बढ़ा चढ़ा कर सामने दिखाते हैं। इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुए 17 इंस्टीट्यूट वालों को पकड़ा था, नोटिस भी दिया था और 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स को 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। 2017 में एक ऐसा ही केस हुआ था जहां 3 कोचिंग सेंटर वालों ने अपने पास आउट स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ा चढ़ा कर बताए थे, और जब जांच हुई तो पता चला कि ये जो नंबर बता रहे हैं वास्तव में टोटल वैकेंसी से 9 स्टूडेंट ज्यादा ही बता दी। मतलब झूठ ऐसा तो बोलो जो लपेटा जा सके। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सारे झूठ इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस कराने के लिए बोलते हैं। तीसरे झूठ की बात करते हैं अब जरा। तीसरे झूठ में इनका दावा होता है कि हमने यूपीएससी पास करने का तरीका क्रैक कर लिया है, और ऐसे एड्स यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स में काफी आम है। पर ये साफ साफ झूठ होता है, और ऐसा खुद यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन ने द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में बताया था। उनका यह भी कहना था कि सिर्फ कोचिंग से परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वैसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि यूपीएससी के टॉपर ने खुद ये बात कही थी, जब तक ये कोचिंग सेंटर वाले परीक्षा को पास करने का तरीका क्रैक करते हैं, पता लगाते हैं, तब तक यूपीएससी एग्जाम्स उस पैटर्न को ही बदल देते हैं, तो ये कहीं से भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसा है कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे दावे कर रहा है तो आप समझ जाना कि आपका यहां बेड़ा गर्क होने वाला है। अब एक और बड़ा सच है जो सरकार भी हमसे लगातार छुपाती आई है, सदियों से ये बात छुपाती आई है, और वो कहीं ना कहीं ये बात नहीं चाहती गवर्नमेंट कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को वो बात पता चले। वो ये है कि होता कुछ यूं है कि हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी के दलदल में फंसते हैं, जिसका सीधा फायदा सरकार को होता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, एक नीट फिनोमेना क्रिएट होता है, मतलब कि नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशन। तो ये पूरा का पूरा धंधा ऐसा चलता है कि जो 11-12 लाख बच्चे हर साल अपने बैचलर्स के बाद एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो तैयारी ना करें तो आखिर क्या करेंगे? सरकार से नौकरी मांगेंगे, लेकिन ये जनसंख्या जो तैयारी कर रही होती है ये ना तो नौकरी कर रही होती है, ना ये नौकरी मांग रही होती है, ना ही ये खुद को बेरोजगार बोल रही होती है। बस ये अपने सपनों को पूरा करने में 5-6 साल लगातार यूं ही लगे रहते हैं। एक बहुत ही चौंका देने वाला डेटा की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के लगभग 30% लोग नीट फिनोमेना की कैटेगरी में आते हैं, और उन 30% में यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। जबकि आप देखें तो दूसरे देशों में नीट की परसेंटेज सिर्फ 5-10% है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ यूपीएससी के साथ ही ऐसा हो रहा है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना उन सब में कहीं ना कहीं यही चीज चल रही होती है, फिर चाहे वो बैंक क्लरिकल एग्जाम हो या यूपीएससी की तैयारी। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो इसके लिए कुछ नहीं करती। अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो आज देश में 42% ग्रेजुएट्स के पास में नौकरी नहीं है, और इसमें अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी जोड़ दिया जाए तो आप खुद ही एक अंदाजा एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की हालत इस समय किस कदर बढ़ी हुई है। अब ये सारे अगर परीक्षा की तैयारी ना करके सरकार से नौकरी मांगने लग जाएंगे तो देश में भाई किस तरह के हालात बन जाएंगे ये आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए सरकार ना तैयारी करने से रोकती है, ना कोई पॉलिसी लाती है इन परीक्षाओं के लिए, और जो ये कोचिंग सेंटर चलते हैं ना वहां से भी सरकार को 18% GST तो मिलता ही है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं फायदे का ही सौदा है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इन एग्जाम्स और कोचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम्स को पास करने के बाद में हमको मिलते हैं, जो पूरे देश की बागडोर संभालते हैं। फिर चाहे अजीत डोवाल जी की बात कर लीजिए या फिर एस जयशंकर जी की बात कर लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी को भी हम नहीं बोल सकते। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दरअसल बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी जरूर करें, लेकिन उसके पहले उनके पास कोई बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए।
या फिर उनके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि यार ये आखिरी पड़ाव नहीं, और इसके भी कई सारे उदाहरण हैं हमारे पास जिन्होंने आईएएस बनना था पर एग्जाम ना पास करने के बावजूद भी आज वो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। जैसे आप गीता गोपीनाथ की बात कर सकते हैं, मतलब वो आईएमएफ की पहली भारतीय डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं और इन्होंने भी शुरुआत यूपीएससी की तैयारी से ही करी थी। दूसरा एक ये भी तरीका है जिसे खुद यूपीएससी के एक्स चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी ने सरकार को सुझाया था, डायरेक्ट सिलेक्शन, और सरकार ने इस डायरेक्ट सिलेक्शन वाली बात को कुछ हद तक स्वीकार भी कर लिया था। दरअसल अरविंद जी ने सरकार को कहा था कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स और मेंस पास कर लिया है और सिर्फ इंटरव्यू में रह गए हैं उन्हें भी सरकारी पद पर नियुक्त किए जाने के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस सुझाव को मानते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA ने इंटरव्यू तक पहुंचने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डायरेक्ट नौकरी देने का फैसला किया। 2022 में IFSCA ने इन कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसी निकाली थी, पर जितने हमारे देश में एस्पिरेंट्स हैं उसके सामने ये नंबर वाकई में कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी। लेकिन फ्यूचर में ये नंबर बढ़ सकता है और अगर बढ़ जाए तो फायदा बिल्कुल इन एस्पिरेंट्स को ही होगा। अब देखिए इतनी बातें हो चुकी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सबके पास कोई सजेशन नहीं होगा, तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जाकर, क्या पता किसी एस्पिरेंट्स का भलाई हो जाए या इस वीडियो को शेयर करने से किसी जरूरतमंद को ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो किसी ऐसे ऑफिसर तक पहुंच जाए जो हमारे देश के बेरोजगार एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कदम उठाने की कोशिश कर सके। इस यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परिवार वाले पिसते हैं। अब अगर सर्वे की माने तो कोविड के बाद 32 लाख मिडिल क्लास लोग गरीब बन गए और जो हालात हैं उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये संख्या हो सकता है बढ़ जाए। रिपोर्ट्स की माने तो आगे चलकर भारत के मध्यम वर्गीय लोग निम्न वर्गीय लोगों की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। यहां थोड़ी सी कोशिश माता पिता और घर वालों के बड़ों को भी करनी चाहिए, सोच बदलने की जरूरत है। क्या सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूपीएससी वालों को ही पैसा और इज्जत मिलती है? ऐसा नहीं, आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। बस बात इतनी है कि आप अपनी ईमानदारी को, अपनी होशियारी को, अपनी मेहनत को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह लगाओ। आपको पैसा और बढ़कर मिल सकता है, आपको इज्जत अच्छे से मिल सकती है, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है। अब सारे ही बच्चे सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो अपनी फील्ड चुनने की थोड़ी सी छूट बच्चों के पास भी होनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बारे में बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।